अब जरा अगले पर आते हैं भाई, अगली जो प्रॉब्लम्स है दे आर बेसिकली सेक्शन 3 एंड इट बेसिकली कंटेन 6 क्वेश्चंस। इनमें मैं लेने वाला हूँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, करेक्ट पे आपको 4 मिलेंगे और इनकरेक्ट पे 0। ये वो वाला सेक्शन था जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जरा पहले ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ एक प्रोसेस दे रखी है, ये आपको टेम्परेचर दिया है केल्विन में। कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल, एक मिनट, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। अगर मैं यहां पर बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, आइडियल बोल दिया, मोनो एटॉमिक बोल दिया, तो आइडियल और मोनो एटॉमिक, एक्चुअली मोनो एटॉमिक बोला है, सीवी वैसे दे दिया है इस क्वेश्चन में, नहीं भी देता तो आपको मोनो एटॉमिक का सीवीएम क्या होना चाहिए था याद। एक्चुअली एक बच्चा ऐसा ही कराया, उसने सीवीएम की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी जबकि सीवीएम वॉज गिवन ओवर हियर। तो यहां पर क्या होगा, कंसिडर ओनली पीवी वर्क इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो x से y और y से z, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो मैं टोटल चेंज क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। तो डेल्टा एच वन क्या होगा, 0। क्यों भाई, आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए ये क्या होता है, एन सी पी एम डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ 0 है। सेकेंड में मैं लिखूंगा अगेन एन सी पी एम डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी चेंज हो रहा है बट मुझे सी वी एम दिया है, तो यहाँ से मैं सी पी एम निकाल लूँगा। सी पी एम क्या होगा, सी वी एम प्लस आर, दैट इज 12 + 8.3, इट विल बी 20.3 जूल और केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 5 × अब सी पी एम कितना आ जाएगा, 20.3, और डेल्टा टी आपका आ जाएगा 415 - 335। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एन सी पी एम डेल्टा टी आपको लगाना था और यू विल गेट योर आंसर, और जो ये वैल्यू भी आने वाली है इट विल बी 8120। आई होप इससे सिंपल प्रॉब्लम तो क्या ही दी जाती। तो ये प्रॉब्लम भी अब आपकी हो चुकी है भाई, अब हम अगली पर मूव करते हैं। अगेन ये केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है, आपको एक रिएक्शन दी है, उसका मैकेनिज्म दिया है, तो ये रिएक्शन आपके 3 स्टेप में ख़त्म हो रही है। पहला स्टेप जो है ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, दूसरा स्लो है और तीसरा फास्ट है। तो अब आपको यहाँ पर करना है कि भाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो कैसे करेंगे, देखिए अक्सर इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का क्या तरीका रहता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लो स्टेप को पकड़ते हैं। और स्लो स्टेप के अलावा आपको यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है भाई, स्लो स्टेप के अलावा आपको क्या मेंशन किया गया है, एक जगह इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हुआ। और के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, जस्ट ए मिनट, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो अब जरा हम लोग इसे लेते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड, दैट इज के वन अपॉन के बैकवर्ड, एंड इट विल बी इक्वल टू N2O2 ओवर NO स्क्वायर। तो अक्सर जब हम ये चीज़ें सीखते हैं तो एक बात बताई जाती है कि जब भी आप इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन के रेट में, किसी भी रिएक्शन के रेट में इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होना चाहिए, आपकी रिएक्शन के रेट में इनमें से ही कोई चीज़ अपीयर होनी चाहिए, ये पहला रूल है। तो जब हम यहाँ पर पकड़ेंगे तो अगर मैंने देखा कि यार H2O गैस जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है और यहाँ N2O बन रहा है और N2O यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो N2O इज एन इंटरमीडिएट। और कोई इंटरमीडिएट है भाई, N2O2 भी इंटरमीडिएट है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनली आपकी जो भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में क्या अपीयर नहीं होना चाहिए, उस रिएक्शन में क्या अपीयर नहीं होना चाहिए, एक तो N2O2 और दूसरा उसमें क्या अपीयर नहीं होना चाहिए, N2O, क्या अपीयर नहीं होना चाहिए, N2O। और हमारा जो रेट होता है वो हम कौन से स्टेप से लेते हैं, जो सबसे क्या होता है, स्लो स्टेप। अब क्या किया जाए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब इसका क्या किया जाए, तो अगर मैं इस स्टेप से रेट लिखता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, तो इस स्टेप से रेट लिखने पर क्या होगा, K2 × N2O2 × H2, ये होगा भाई। अब N2O2
जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि N2O2 आपका इंटरमीडिएट है तो वो नहीं आना चाहिए. तो N2O2 की जगह व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, ये थोड़ा यहाँ हॉचपॉच हो रहा है तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ K2, और N2O2 की जगह K1 K-1 एंड इट विल बी NO2 एंड इट विल बी H2. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ओवरऑल ऑर्डर कितना होता है 3. ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, देखिए NO आ रहा है और क्या आ रहा है H2 आ रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर विल बी 3. तो दिस इज द आंसर फॉर न्यूमेरिकल टाइप. चलिए भाई अगले पे मूव करते हैं. यहां पर आप ध्यान से देखिए, इधर आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विद दिस. तो इसमें निकल का आपको पता है कितना होता है 28, 4 है 36. तो मुझे यह देखना है कि जो स्पीसीज गिवन है उनमें 36 किस किस का आ रहा है. सबसे पहले अगर मैं इधर देखूं, वेनेडियम कितना होता है 23 × 6 × 2, तो नहीं है. CR कितना होता है 24 × 5 × 2, 34 नहीं है. कॉपर कितना होता है 29 × 6 अगर मैं करूंगा, नहीं है. Mn का कितना होता है 25, 5 × 2 करूंगा, नहीं है. तो यहां पर 26, 5 × 2 करूंगा, यस ये है. तो अभी तक मुझे कौन सा मिला, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिला. फिर इसका 28 होता है, कितना होता है भाई 28 में 3 × 2 यानी 6, 34. अगर मैं इसमें 3 माइनस करता हूं तो 3 माइनस करूं या क्या करूं, 3 माइनस का मतलब क्या होगा, पहले इसे काउंट कीजिए भाई क्या होगा बताइए. CO CO3 3 माइनस, ऐसे ही अगर आप इसे देखते हैं 24 प्लस 4 × 2 8 तो 32 प्लस 4 तो ये कितना होगा 36. और इरिडियम ये तो भैया है ही 77, ये तो है ही 77, तो क्या किया जाए. अब देखिए कोबाल्ट का ये 27 होगा, 27 प्लस 6 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे 36. तो 36 किस किस का आ रहा है भाई, 36 आपका आ रहा है एक मिनट, इसका इसका और इसका. तो आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3. तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज. अब देखिए डायमैग्नेटिक, तो यहां पर हम CFT यूज करने वाले हैं. MnNH3 3+, MnCl6 3-, तो पहले ध्यान से देखिए कि सारे के सारे आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑक्टाहेड्रल हैं. एक चीज क्लियर है, ये भी मुझे पता पड़ गया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्लोरीन है तो वीक फील्ड है. तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स या टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज कितनी है इनमें. सबसे पहले तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है +3, यहाँ पर भी कितनी है +3, Fe की कितनी है +3, कॉपर की कितनी है +3, यहाँ Fe की कितनी आएगी भाई +3 एंड कोबाल्ट की भी +3. तो सबसे पहले अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखता हूँ तो 4s2 3d5 होता है, 3 निकालो तो क्या होगा 3d4. तो इन दोनों में जब मैं 3d4 लूँगा, ये भी 3d4 है. अब देखिए T2g और Eg स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, जब 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ. देखिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 4 कैसे भरोगे, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा. वीक फील्ड में अगर आपको भरने हैं तो 4 कैसे भरोगे, तो यहाँ 4 अनपेयर्ड है और यहाँ 2 अनपेयर्ड है. तो भैया दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो तो पैरामैग्नेटिक बनेगा, ये दोनों ऑप्शन गई. अब अगर Fe की मैं बात करूँ तो Fe का क्या होता है 4s2 3d6, लेकिन 3 प्लस में 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गए 3d5. तो यार एक चीज़ तो क्लियर है, 3d5 आ गया तो पेयरिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, एक तो अनपेयर्ड हमेशा ही रहेगा, तो ये भी उड़ गया. अब कोबाल्ट का क्या होता है 4s2 3d7, अब 3 है तो ये क्या होगा 3d6, यहाँ पे भी 3d6. तो इन दोनों को एक मिनट, इन दोनों को एक साथ ले लेते, ये भी ओहो ये भारकर जी क्यों नाराज हो रहे हो. चलिए यहां पर भी अगर मैं ले लेता हूं तो कोबाल्ट का ये भी क्या होगा 3d6, क्या होगा भाई 3d6. अब यहां पर क्या करना है,
यहां पर हमें कुछ नहीं करना है। 3D6 में ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर मुझे 6 भरने हैं तो देखिए 4 भरे हुए थे, 5, 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये डायमैग्नेटिक आएगा और वीक फील्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैरामैग्नेटिक आएगा। तो ये पैरा है तो ये भी गया, यानी एक तो मेरा यही हो गया। अब FE का मैं 3+ करता हूँ तो देखिए FE अभी अभी मैंने किया था 3D5 होगा, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, खेल खत्म। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली 1। आपका आंसर क्या होगा भाई, ओनली 1। वी विल नाउ कम टू इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 दे वर बोथ इंटीजर टाइप। दीज आर योर इंस्ट्रक्शंस। There is complete reaction of acetaldehyde with excess formaldehyde. Now you know that this is a cross-aldol condensation. So, हमारे पास acetaldehyde है and effectively इस acetaldehyde के अंदर 3 alpha hydrogen atoms हैं. So, and not touching this aldehyde group, मैं इस aldehyde group को हाथ नहीं लगा रहा हूँ. मैं अगर formaldehyde के साथ इसका reaction करूँ तो मुझे formaldehyde के 3 इक्विवेलेंट चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स 3 है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने यहां पे बड़ा कंप्लीट रिएक्शन उन्होंने लिखा है कि आप एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में पूरा रिएक्शन कराओ, पूरा प्रॉपरली। सो जिन लोगों को तो ये क्रॉस टल्डोल कॉन्सेशन पूरा क्लियर है, दे विल एग्री विद मी दैट दिस शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस aldol concentration बिटवीन acetaldehyde एंड formaldehyde कंप्लीटली। तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन एटम्स लेके आपको मालूम है आप इस पर अटैक कराएंगे तो ये पूरा एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आपके पास 3 आ जाएंगे acetaldehyde के चक्कर में, अपॉन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर गिव्स पी एंड क्यू। अब उन्होंने बोला है दैट ये जो आपने रिएक्शन लिया, ये वाला लिया है, इसमें आगे एक और प्रोसेस कराएंगे। ये दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो अब हम इसमें कैनेजारो प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे कैनेजारो प्रोसेस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सो इसका अल्कोहल बना लो, ये वाले एल्डिहाइड का, एंड ऑफ कोर्स फॉर्मल्डिहाइड विल अंडरगो the oxidation part and it gives you sodium salt or formic acid. तो इसका alcohol बन जाएगा तो यह ऐसा दिखेगा along with sodium ethanoate or sodium formate. तो इसमें उन्होंने बोला है gives you P and Q. Compound P does not give tolerance test. Now this is of course going to be compound P. यह tolerance test नहीं देगा, whereas Q on acidification. तो acidify करोगे तो यह formic acid देगा, और आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड में ये वाली साइड एल्डिहाइडिक होती है, तो ये वाली साइड तो टॉलरेंस टेस्ट दे देगी। एंड क्यू ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स यू पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी कंपाउंड क्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी कंपाउंड पी। ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन। एक्सेस का मतलब है कि आप दोनों तरफ से कर रहे हैं उसको, पीटीएसए लेकर के, पैराटोल्यूमिन सल्फोनिक एसिड लेके, तो डिहाइड्रेट करना उसको। यहां से आप वाटर रिमूव करिए, इन दोनों साइड से वाटर रिमूव करके, रिमूव 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जनरेट होगा इसके अंदर, अगर आप दोनों साइड से वाटर रिमूव करोगे तो। And the question is sum of the number of methylene groups and oxygen atoms in R will be. So this is going to be your final compound R. Methylene groups तो आपको यहाँ से calculate करके दिखी जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये है, 2 oxygen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So total methylene groups plus oxygen atoms will number out to be a total of 18 in number. 18 होंगे टोटल, और यही आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका आंसर भी बैठेगा।
यू लुक एट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो पहले तो आप इधर इसी पोर्शन को देख लो कि इसके बीच में 15 कार्बन है, एक इथाइल एस्टर है और साइड में एक अल्काइन है। तो अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर रहे हो मैं इसको थोड़ा सा वर्केबल फॉर्मेट में लिख देता हूं, इसकी आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर रहे हो तो दिस इज ऑब्वियसली अंडरगोइंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन। आपको पता है कि पहले इनॉल बनाओगे और इनॉल को टॉटमराइज करोगे। मेरे हिसाब से तो एवरीबडी नोज अबाउट दिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑलरेडी, दिस विल बिकम CH2, इसको OH बना के इनॉल करोगे और इनॉल को टॉटमराइज कर दोगे तो ये मिथाइल कीटोन आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपने इसको जिंक अमैलगम के साथ ट्रीट किया तो क्लेमेंसेंस रिडक्शन करके आप कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर लो, इसका मिथिलीन ग्रुप बना लो, CH2 ग्रुप बना लो और उस CH2 को इसके साथ जोड़ देना ताकि हम लिखने में हमें आसानी भी हो और हमारे को कम जगह भी लगे। नाउ दिस इज एन 18 कार्बन कंपाउंड, ये 16 कार्बन होंगे, 15 और एक इसका आ जाएगा 16 और एक इधर का मिथाइल ग्रुप आएगा और साथ में वो लास्ट में आप हाइड्रोलिसिस करके एस्टर को उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। सो ऑक्टाडेकानोइक एसिड 18 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीयरिक एसिड। तो जहां पे इतना काम किया हुआ, ये जो कंपाउंड पी बनाया वो पी कंपाउंड ये स्टीयरिक एसिड है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद द एक्सेस ऑफ पी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म क्यू। तो चलिए पहले क्यू बना के देख लेते हैं। ये ग्लिसरॉल है, प्रोपेंट्रायोल, और आपने एक्सेस ऑफ स्टीयरिक एसिड लिया तो एस्टेरिफिकेशन करिए, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है। सो व्हाट दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू डू हियर इज यू नो मेकिंग द ट्राइएस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। तो तीन जगहों से आप इसको डिहाइड्रेट करो, इसमें वाटर रिमूवल करो और इतना समस्या वाला नहीं लग रहा है। ट्राइस्टीयरेट बना, ग्लिसराइल ट्राइस्टीयरेट बना लो इसका। ये ग्लिसराइल ट्राइस्टीयरेट आपने ट्राइएस्टर बनाया तो इसको व्हाट आई जस्ट वांट टू गो एंड सी कि इसको इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला यू यूज दिस टू फॉर्म क्यू, उन्होंने बोला एक्सेस पी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म क्यू, तो जो हमने ट्राइएस्टर बनाया है वो क्यू है। नाउ क्यू विद एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। दिस कंपाउंड व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर इज क्यू, तो इसको जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है बच्चों तो दिस इज गोइंग टू बी सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन ऑफ ट्राइएस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विल गिव यू ग्लिसरॉल अलोंग विद द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेपोनिफाई करोगे तो ग्लिसरॉल अलोंग विद 3 moles ऑफ यह सोडियम सॉल्ट है सर, अपना बना लो सोडियम स्टीयरेट के 3 मोल बन जाएंगे, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तीन जगहों से। ठीक है, जब आप NaOH से ट्रीट कर रहे हो। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो 3 मोल सोडियम स्टीयरेट बने हैं इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया।
ये कैल्शियम क्लोराइड, पर कैल्शियम आयन तो बाइवेलेंट है, तो अगर उसका सोडियम स्टीयरेट का सोडियम सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है तो कैल्शियम सॉल्ट के कितने मोल बनेंगे, 3/2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 होल 16 CO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसके तो 1.5 मोल ही बनेगा ना, क्योंकि कैल्शियम आयन तो बाइवेलेंट है और ये जो स्टीयरेट है सोडियम आयन है वो तो यूनिवेलेंट आयन है। अब जब इसके 3 मोल लोगे और आप उसे कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो इसके तो 1.5 मोल बनेगा। अब ये देख लेते हैं पीछे जाके कि उन्होंने सवाल पूछा क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ क्यू द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम विल बी, अमाउंट ऑफ आर तो इसका मतलब हमें इसमें इसका मास देना है, अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम विल बी, तो ये जो 3/2 मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बता देता हूं 606 होता है एंड इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 909 के आसपास ग्राम के आसपास कुछ बन के आएगा एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके आगे कुछ करने वाला नहीं था, ऑर्गेनिक का पोर्शन तो जितना पोर्शन आप यहां तक लाए 1.5 मोल बना लिया, 3/2 मोल बना लिए, उसके बाद तो सिर्फ उसका मास मास ही देना है। सो डजंट सीम लाइक समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्दो।